मेरा यंगस्टर से यही कहना है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू प्ले ए मैच और यू आर गोइंग फॉर ए प्रैक्टिस सेशन, ऑलवेज थिंक जो आउट ऑफ द फील्ड की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए। सपोज आप एक मैच के लिए जा रहे हैं तो ऑलवेज आपको जब भी जाना है मैच के लिए तो यू लुक अबाउट द व्हाट इज द वेदर कंडीशंस, आपकी वेदर कंडीशंस क्या है, आपका जो विंड की जो ब्लोइंग है यानी हवा किस तरफ बह रही है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और पिच की कंडीशंस क्या हैं, हाउ पिच इज, जो बिहेवियर एक होता है पिच का वो किस तरीके का है, पिच का जो ले डाउन हुआ है वो किस तरीके का है, आपकी आउटफील्ड की कंडीशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए। आप मीडियम पेसर हैं तो आपको अपना एंड चूज़ करना पड़ेगा, आपको एंड चूज़ करना है तो आपको विंड ब्लो के बारे में पता होना चाहिए, आप उसको जो है आराम से आइडेंटिफाई करते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उसी हिसाब से आप अपना एंड भी चूज़ कर सकते हैं। देन आपकी जो पोजीशन है आउटफील्ड की, 30 yard में आपका आउटफील्ड कैसा है या 30 yard के बाहर आपका आउटफील्ड कैसा है, बॉल कितना तेज ट्रैवल कर सकता है, अगर घास पूरी तरह कटी हुई होगी तो 100% है बॉल तेज ट्रैवल करेगा, घास थोड़ी बड़ी होगी तो 100% है आपका बॉल थोड़ा सा स्लो ट्रैवल करेगा। आपका बारिश हुई है प्रीवियस नाइट में और आप आज मैच आके खेल रहे हैं तो 100% वेट आउटफील्ड होगी तो बॉल ट्रैवल थोड़ा कम फास्ट करेगा। ये सब सर्टेन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। उसके अलावा आप जब बॉलिंग करते हैं तो स्पेशली फॉर बॉलर बॉल करते हैं तो आपको पिच के थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि हाउ मच रोल्ड इट इज़, कितनी रोलिंग की गई है उसके ऊपर, पिच का बिहेवियर कैसा हो सकता है, थोड़ा उसको हाथ से टच करके भी देख करके पता लगाया जा सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं। देन जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपको विद इन थ्री बॉल्स ये पता लग जाता है कि पिच किस तरीके का चल रहा है, किसी फ्लैट ट्रैक बॉल रुक के आ रहा है, अनइवन बाउंस है, व्हाटएवर, विद इन 3 balls यू कैन इजीली डिटेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पिच। तो कुछ चीज़ें सर्टेन थिंग्स हैं जो बताना बहुत ज़रूरी था। देन बैट्समैन के लिए भी ये बहुत चीज़ें, यही चीज़ जो है बहुत ज़रूरी होती है, ही हैज़ टू सी विद इन 30 yard विच फील्डर इज़ गुड विच फील्डर इज़ नॉट गुड, कहाँ पे कौन सा फील्डर है, यहाँ पे वो टैप करके सिंगल्स ले सकते हैं, कहाँ वो गैप बना सकते हैं, बॉल कितना दूर ट्रैवल करेगा तो उनको सिंगल मिल सकता है, डबल मिल सकता है, इस तरीके से वो अपने इनिंग को रोटेट करेंगे। और ऑलवेज ट्राई टू डू द थिंग्स जो कि क्रिकेटिंग के लिहाज से बिल्कुल ठीक होती हैं, कभी भी ओवर ट्राई नहीं करनी है कि अगर आपका जैसे कोई अच्छा फील्डर है आप उसके सामने से टैप करके रन लेना चाहते हो तो यू नेवर, कभी नहीं करो इस चीज़ को, हमेशा अच्छे फील्डर को चेक करो, उसका थ्रोइंग आर्म चेक करो कि किस आर्म से वो थ्रो करता है, उसका राइट हैंड अच्छा है या लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड उसका अच्छा है तो मुझे किधर खेलना है जिससे कि मैं उसके आगे से रन ले सकूं, क्योंकि तो इनिशियली आपको अपना जो है इनिंग को जो बिल्डअप करना है वो इनिंग आपकी बिल्डअप होगी आपके सिंगल एंड डबल्स में, आप इमीडिएटली जा करके वहाँ पर चौके छक्के नहीं मार सकते। तो ऑलवेज रिमेंबर ऑल दिस, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप अभी बताई हैं मैंने, ये इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपना काम कीजिए, 100% आई एम श्योर दैट यू विल बिकम ए गुड बॉलर और ए गुड बैट्समैन। थैंक यू वेरी मच।